आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। दरभंगा बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को समर्थन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए आंदोलन को समर्थन देता है। आंदोलन पुरानी पेंशन योजना के लिए किया जाता है तो बिहार विवि कर्मचारी महासंघ का भी पूर्ण समर्थन होगा। बेनीपुर बहेरा पब्लिक स्कूल बहेरा के प्रधानाध्यापक एमएम रिजवी को पटना में सम्मानित किया गया। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की ओर से पटना में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने पुरस्कार प्रदान किया। बेहतर कार्य करने वाले निजी स्कूल व संचालक को सम्मानित किया गया। श्री रिजवी को अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया। द्वारा कटका पंचायत में नल जल योजना की जांच के दौरान प्रभारी बीडीओ मेहताब अंसारी एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक भटकते रहे, लेकिन कहीं भी नल से निकलता जल नहीं देख पाए। पंचायत में पहुंचते ही बीडीओ ने सबसे पहले वार्ड 3 में पहुंचकर नल जल की स्थिति का जायजा लिया। जहां तहां लगे वाटर पोस्ट को घुमा कर भी देखा, लेकिन कहीं भी नल से पानी निकलता नहीं दिखाई दिया। बक्सर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। घरेलू विवाद में हत्या का आरोप है। हत्या के आरोप में मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना ब्रह्मपुरा के बकरी गाय घाट की है। कैमूर में युवक को नशा खिलाकर 50,000 की छिनतई की गई। कैमूर में एक युवक से अपराधियों ने 50,000 की छिनतई की है। अपराधियों ने युवक को पहले नशा खिला दिया, इसके बाद घटना को अंजाम दिया। युवक की बेहोशी हालत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मोहनिया थाना के मुठानी की है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। कुल 7,973 अभ्यर्थी हुए सफल। पटना में पुलिस ने एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया है। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर यह लाठी चार्ज किया। सभी अभ्यर्थी राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे। पटना में जाली नोट के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने दबोचा है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई शास्त्री नगर पुलिस ने की है। पुलिस ने 2,25,000 के जाली नोट को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। राज्य के कृषि मंत्री सुधारक सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत EKYC कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 सितम्बर करने की घोषणा की है। इससे पहले उनकी अंतिम तिथि 31 अगस्त घोषित थी। उन्होंने किसानों से कहा कि किसान अपना EKYC 7 सितंबर तक जरूर करा ले, ताकि जारी होने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वार्षिक किस्त का लाभ उन्हें हासिल हो सके। भागलपुर सृजन घोटाले में 2 पूर्व नाजी राकेश कुमार और राकेश कुमार झा के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई में अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। जिला परिषद के पूर्व नाजी राकेश कुमार को साक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है। सिवान से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर MB चौधरी ने कहा कि बीजेपी के पीछे RSS के, जिसका नियंत्रण नागपुर से होता है। बीजेपी देश में नागपुर या संविधान चाहती है। बीजेपी के बिलाप में कोई जान नहीं है। बंगाल से शराब पीकर लौट रहे 47 लोग किशनगंज में गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के कारण सीमावर्ती इलाके में लोग दूसरे राज्यों में जाकर अपना शौक पूरा कर रहे हैं। इसी के तहत बंगाल से शराब पीकर किशनगंज लौट रहे 47 लोगों को उत्पाद विभाग ने दबोच लिया। बिहार के शराब तस्करों ने बदली अपनी रूपरेखा। सुरक्षा कर्मी के छूट रहे पसीने। बिहार में शराब तस्कर व पुलिस के बीच तू डाल और मैं पात पात वाली स्थिति है। ड्रोन कैमरे व अन्य आधुनिक साधनों का प्रयोग बढ़ जाने के बाद से शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। समस्तीपुर में बदमाशों ने शिक्षक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यहाँ हथियार बंद बाइक सवार बदमाशों ने एक शिक्षक को दिन दहाड़े गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल शिक्षक को इलाज के लिए दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 21 सितंबर को एक ही पाली में एक ही दिन आयोजित की जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री की बैठक के बाद परीक्षा की तारीख तय कर दी गई। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे।
बुधवार को छात्रों के आंदोलन के दो दिन बाद 20 और 21 सितंबर परीक्षा के आदेश को वापस ले लिया गया है। आयोग इस संबंध में विस्तृत सूचना जल्द वेबसाइट पर जारी करेगा। नवादा में बच्चे का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नवादा में एक बच्चे का शव मिला है। बच्चे के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि बच्चा एक दिन पहले से ही घर से गायब था। नवादा में कैदी की मौत मामले में हुई कार्रवाई, जेल के दो कक्षपाल निलंबित। नवादा मंडल कारा में कैदी विजय मांझी के आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही के आरोप में दो कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री दंदन पहलवान को 2 साल श्रमिक कारावास की सजा, राजद नेता की पिटाई मामले में आया फैसला। पूर्व मंत्री दंदन पहलवान समेत 10 आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 सब विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में 2 साल श्रमिक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। एमपी प्रत्याशी सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2005 को दंदन पहलवान समेत अन्य आरोपियों ने आरजेडी नेता रामजी यादव को विधानसभा चुनाव के दौरान पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। ममता ने की आरएसएस की तारीफ, भड़क उठी बीजेपी, ओबीसी कांग्रेस भी हुए हमलावर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर दिए गए बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है, जहां एक बयान को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। चक्की भूमिका में नजर आए उपसभापति रामचंद्र पूर्वे, बच्चों को बताया शिक्षा का महत्व। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड स्थित नदीपत उच्च विद्यालय में उपसभापति रामचंद्र पूर्वे ने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच शिक्षक के रूप में तालीम बांटते दिखे। एक साथ 875 पुलिसकर्मी का तबादला, सिपाही से लेकर दरोगा तक का हुआ ट्रांसफर। नीतीश कुमार सरकार लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय के ने बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया है। नीतीश और तेजस्वी के कार्यक्रम में 15 मिनट गुल रही बिजली, अंधेरे में बैठे रहे सीएम और डिप्टी सीएम। बिहार में इन दिनों बिजली की किल्लत से क्या आम और क्या खास सभी लोग परेशान हैं। राजधानी पटना में इस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे। सीएम और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही बिजली चली गई, लिहाजा मंच पर अंधेरे में ही सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का स्वागत हुआ। इस दौरान अधिकारी मोबाइल की रोशनी में अपना काम करते दिखे। पीएम के बयान पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया। राजद नेता ने कहा भाजपा के 1000 से अधिक विधायक किसी के घर छापा पड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या भाजपा के लोग दूध के धुले हैं। तेजस्वी ने कहा भाजपा के लगभग 1000 से अधिक विधायक और 300 से अधिक सांसद हैं, किसी के भी घर पर छापा पड़ा है क्या। नीतीश कुमार ने कहा कहां कोई भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है, क्या कभी कोई भ्रष्टाचारियों को बचाएगा।